लोकसभा चुनाव के बाद क्या इंडिया गठबंधन उपचुनाव में भी जारी रहेगा? क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ मिलकर उपचुनाव भी लड़ेंगी? क्या कांग्रेस को समाजवादी पार्टी 3 से 4 सीटें दे सकती है? लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर रायबरेली व अमेठी समेत 6 सीट जीतने के बाद अब कांग्रेस की नजर विधानसभा के उपचुनाव पर है। पार्टी ने इसके लिए अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है। पार्टी विधानसभा क्षेत्रवार अपनी ताकत का आकलन भी कर रही है। कांग्रेस 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सपा से 3 या 4 सीटें मांग सकती है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि कांग्रेस ने उपचुनाव में लखनऊ के पूर्वी विधानसभा सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा था। 9 सीटों पर उपचुनाव पर कांग्रेस भी मैदान में उतरेगी। सीटों को लेकर सपा से बातचीत की जाएगी। लोकसभा चुनाव में विभिन्न दलों से 14 विधायक उतरे थे, जिनमें 9 ने जीत दर्ज की। फूलपुर लोकसभा सीट से भाजपा के प्रवीण पटेल ने जीत दर्ज की। प्रवीण फूलपुर से विधानसभा चुनाव जीते थे। हाथरस से भाजपा के अनुप वाल्मीकि जीते, वो खैर से विधायक थे। गाजियाबाद से भाजपा के अतुल गर्ग ने जीत दर्ज की। भदोही लोकसभा से मिर्जापुर जिले के मझवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर विनीत कुमार जीते थे। रालोद ने मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर सीट से विधायक चंदन चौहान को बिजनौर लोकसभा सीट से उतारा और वो जीत गए। अयोध्या जिले के मिल्खीपुर सीट से सपा विधायक अवधेश प्रसाद ने फैजाबाद लोकसभा सीट से जीत दर्ज की। मैनपुरी जिले की करहल सीट से विधायक सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से जीत दर्ज की। कटहरी के सपा विधायक लालजी वर्मा अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से जीते हैं। मुरादाबाद जिले की कुंदरकी सीट के विधायक जियाउर रहमान बर्क ने सपा के टिकट पर संभल लोकसभा सीट से जीत दर्ज की है। अब फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, मझवा, मीरापुर, मिल्कपुर, करहल, कटहरी और कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है। माना जा रहा है कि जिन सीटों पर सपा के विधायक थे उन्हें छोड़कर अन्य सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों की दावेदारी करेंगे और इसके साथ ही कांग्रेस लोकसभा चुनाव के नतीजे की समीक्षा भी कर रही है। पार्टी ने एक टीम को विधानसभा क्षेत्रवार उसे मिले वोटों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी है। विशेषकर जिन 17 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी उसमें पार्टी मजबूत विधानसभा क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां अपनी सक्रियता को बढ़ाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गोरखपुर पोस्ट।